हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर हमें एक बड़ी शॉकिंग चीज़ देखने मिल सकती है और वो है द लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस की वापसी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जी, WWE यूनिवर्स को काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही है डीन एम्ब्रोस की वापसी का, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई WWE में। इसके अलावा रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बार जब उनकी वापसी होगी तो वो सेथ रॉलिंस के साथ एक और बार फिर से अपनी टैग टीम बनाने वाले। इसके अलावा हमें हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में देखने मिलता है सेथ रॉलिंस, डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर तीनों के बीच फ्यूड, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस हमेशा एक हैंडीकैप मैच में कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा WWE ये भी दिखा रही है हमें किस तरह रोमन रेंस हेल्प करने की कोशिश तो कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के, लेकिन वो अभी फिलहाल यूनिवर्सल चैंपियनशिप के फ्यूड में है, इसलिए वो सेथ रॉलिंस की मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा रिसेंटली सेथ रॉलिंस ने बैकस्टेज के दौरान ये बात कही थी, उन्हें एक टैग टीम पार्टनर की जरूरत है और ऐसा टैग टीम पार्टनर जो कि उनकी हेल्प करे ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर से लड़ने में। इसके अलावा जो समर स्लैम पे भी है, वहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी कंफर्म हो चुका है। जो मैच होने वाला सेथ रॉलिंस से डॉल्फ ज़िगलर के बीच, और ये मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा रिपोर्ट्स का ये भी मानना है यहां पर हमें फाइनली सेथ रॉलिंस एक और बार फिर से बनते हुए नजर आएंगे नवे चैंपियन, और साथ में यहां पर रिपोर्ट्स का ये भी मानना है यहाँ पर डीन एम्ब्रोस हेल्प करने वाले हैं सेथ रॉलिंस की। इसके अलावा जो लास्ट मंडे नाइट रॉ होने वाले समर स्लैम पीपीवी से पहले, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ एक और होने वाली कि यहाँ पर रीने यंग को मंडे नाइट रॉ का स्पेशल कमेंटेटर रखा गया। तो देखना ये होगा आने वाले मंडे नाइट रॉ में रीने यंग किस तरह पार्ट होती है मंडे नाइट रॉ का, या फिर कुछ रिपोर्ट्स का माने ये भी कि WWE यहाँ पर शॉकिंग डीन एम्ब्रोस की वापसी करवाना चाहती है जिस कारण रीने यंग को यहाँ पर दिखाया जाएगा मंडे नाइट रॉ में ऐसे कमेंट्री करते हुए। इसके अलावा रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि मंडे नाइट रॉ में हमें इस वर्ष सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हुए करेंगे डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर, और समर स्लैम पे भी इससे पहले हमें डीन एम्ब्रोस की वापसी देखने को मिलेगी, जिसके कारण WWE यूनिवर्स काफी ज्यादा हाइप हो जाएगा समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर, क्या वहां पर सेथ रॉलिंस नवे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन पाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ में भी आए थे पिछली बार बैक स्टेज के दौरान, जब मंडे नाइट रॉ था सिनसिनाटी ओहायो में, और रिमोर्स का यही मानना है कि ये जो समर स्लैम से पहले वाली मंडे नाइट रॉ होने वाली, यहां पर 101% हमें डीन एम्ब्रोस की वापसी देखने के लिए मिलेगी। तो बस आज की वीडियो तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आप देखना चाहेंगे डीन एम्ब्रोस की वापसी एज अ हील या फिर देखना चाहेंगे एज अ फेस। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की न्यूज, रूमर अपडेट्स, रिजल्ट्स, कार्ड प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।